हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। आपके साथ आज हम बनाएंगे आंवले के पाउडर से गटागट। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी आंवले का पाउडर। आंवले का पाउडर हमें मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है, लेकिन ये आंवले का पाउडर मैंने घर पर ही बनाया है। आंवले का पाउडर कैसे बनाते हैं इसका भी वीडियो मैंने शेयर किया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी पीसीबी शक्कर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आप गटागट एकदम मीठी पसंद करते हैं तो शक्कर की मात्रा आप इसमें बढ़ा लें। बाकी मसाले भी इसमें हम डाल लेते हैं। 2 टेबल स्पून काला नमक, 2 चम्मच पिसा हुआ अजवाइन, अपने स्वाद के हिसाब से नमक, 1/8 टीस्पून हींग, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ जीरा। सभी मसालों को हम आंवले के पाउडर में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे आप एक बार टेस्ट करके देख लें। आंवले का पाउडर हम जब आंवले का सीजन होता है जब बनाकर रख लेते हैं तो गटागट हम कभी भी बना सकते हैं। आंवले के पाउडर से और भी कई चीज़ें बन सकती है, बालों के लिए भी उसका यूज़ होता है। इसे हम मिक्स करने के लिए इसमें डाल रही हूँ मैं नींबू का रस। थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें नींबू का रस डालें और इसका एकदम टाइट सा डो तैयार कर लें। ध्यान रखें नींबू का रस एक साथ ना डालें, बिल्कुल एक एक चम्मच करके डालें। देखिए हमने एकदम टाइट सा डो इसका तैयार कर लिया है। अब हम इनकी गटागट की गोलियां बना लेते हैं। आप अपने हिसाब से साइज छोटा बड़ा करके इसकी गोलियां बना लें। यदि हाथों पे चिपक रहा हो तो थोड़ा सा हथेली पर घी लगाकर फिर इसकी गोलियां बनाएं। इस तरीके से हम इसकी गोलियां बनाएंगे और इसे पीसी हुई शक्कर में लपेट लेंगे, जिससे ये एकदम मार्केट जैसी दिखेगी। ध्यान रखें डो को आप बहुत गीला ना करें, एकदम सूखा सा, बस इतना कि उसकी गोली आराम से बन जाए, इतना ही नींबू का रस उसमें मिक्स करेंगे। देखिए हमारी सारी गटागट बनकर तैयार है। इसे आप कुछ घंटे के लिए ऐसे ही प्लेट में रखे रहने दें, या तो आप इसे पंखे की हवा में सुखा लें। इसे आपको धूप में नहीं सुखाना है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।